सहारा रिफंड के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाते हुए एक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए सहारा निवेशकों के फंसे हुए पैसे वापस मिल सकेंगे। बता दें, देश के लाखों निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है, लेकिन अब सरकार की इस पोर्टल से लोगों में उम्मीद आई है कि उन्हें पैसा वापस मिलेगा। सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। उन्होंने दावा किया है कि इस जरिए सहारा के निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। उन्होंने कहा कि निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है, लोगों को पारदर्शिता के साथ उनके पैसे वापस लौटाए जाएंगे। चलिए जान लेते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल कैसे काम करेगा। सहारा रिफंड पोर्टल से उन निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा जिनके निवेश की मैच्योरिटी हो चुकी है। इसके लिए निवेशकों को पोर्टल पर नाम दर्ज कराना होगा। इसके बाद वेरिफिकेशन का काम होगा और रकम लौटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि 30 दिन के अंदर सहारा ग्रुप की समितियों द्वारा वेरीफाई का काम किया जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के 15 दिन के अंदर SMS के जरिए निवेशकों को सूचित किया जाएगा। वहीं इसके बाद रकम बैंक अकाउंट में आएगी, यानी रिफंड का पूरा प्रोसेस करीब 45 दिनों का होगा। हालांकि सहारा में निवेश करने वालों को पता करना होगा कि उनके पैसे को किस कोऑपरेटिव में लगाया गया है। इसके बाद उससे जुड़े सारे दस्तावेज जुटाने होंगे। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यंग यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के पास पैसे जमा करने वाले इन्वेस्टर्स को राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कराई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए CRCS को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।